किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की हत्या के मामले में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हत्या में इन्वॉल्व लोगों की जो है वो पहचान हो चुकी है और जल्द ही वो लोग अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट किलिंग है और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, चूँकि दो महीने से ये पूरे देश में ये हो गया था कि कश्मीर में चारों चरण के चुनाव बिना किसी घटना के हुए हैं, एक चिड़िया की भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। पहली बार ये हुआ, 40-40 लोगों की कैजुअल्टी हो जाती थी, अकेले श्रीनगर के चुनाव में 9 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी। तो इससे जो सीमा पार के जो मालिक लोग हैं इनके, उन्होंने बौखला के इनको प्रेशराइज किया। पिछले दो हफ्ते में हमने देखा ये ट्रेंड कि कुछ करो, तो टेररिस्ट आते थे, कहीं हथगोला फेंक देते थे नाके पे, कहीं कुछ, और हमारी फोर्सेज उनको 1-2 किलोमीटर के बाद पकड़ लेती थी। यहाँ अनफॉर्चुनेट बात हो गई, बहुत एक्टिव बीजेपी के बहुत ही सम्मानित साथी और उनके भाई का निधन हो गया, लेकिन मैं इस बात के लिए उनके परिवार को और दोनों संप्रदायों के लोगों को इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका है और इसके साथ 3-4 कस्बे ऐसे हैं, हम रात भर डरे रहे कि कहीं कोई चीज़ ना हो जाए। बहुत अच्छी बात ये हुई कि दोनों संप्रदायों ने बोल के इसको कंडेम किया और मिलजुल के शांति बहाल की है। मैं आप सबों से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके शांति को बनी रहने दें, और वो लोग पहचान लिए गए लगभग जिन्होंने किया था, और बहुत जल्दी आपके सामने नतीजे आएंगे। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसमें ये बिल्कुल 100% साबित हो गया कि ये मिलिटेंसी की घटना थी, और ये जो कोशिश हो रही है ये पहले भी हुई है, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। आप लोगों को बता दूं कि 2 तारीख की रात को 8:34 पर 2 अज्ञात बंदूकधारी जो बताए जा रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी थी जब वे अपनी जो स्टेशनरी की दुकान है उसको बंद कर घर जा रहे थे। ये एक बड़ी पॉलिटिकल किलिंग मानी जा रही है क्योंकि जो पंचायत चुनाव हैं वो आने वाले हैं और हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी आतंकी संगठन जो हैं वो कहीं ना कहीं अब अपना बेस जो है वो जम्मू रीजन में तराश रहे हैं।